डियर फ्रेंड्स नमस्कार, माय नेम इज़ डॉक्टर एस के शर्मा, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। देखिए, हमारी जो है लास्ट क्लास जो है उसमें हम पेयर नाउंस के बारे में पढ़ा था कि पेयर नाउंस का किस तरीके से यूज़ होता है, और मैंने आपको बहुत सारे पेयर नाउंस बताए थे। और पेयर नाउंस जो है उन पर क्वेश्चन आता ही आता है, आप ये बात मन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। देखिए, तो हम जब पेयर नाउंस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पेयर नाउंस में जब बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि पेयर नाउंस जो होते हैं उनका यूज़ किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पेयर नाउंस हमेशा फॉर्म में प्लूरल होते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई, उनकी जो फॉर्म है उसमें हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। प्लूरल नाउन फॉर्म में हमेशा प्लूरल होते हैं, इसका मतलब जो भी पेयर नाउन होंगे उनके पीछे एस ई एस लगा रहेगा। दूसरी बात आपको ये बताई थी पेयर नाउंस क्या होता है, जिस ऐसे नाउंस जिसमें दो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। तो देखो, सेकंड टू आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी जिनमें दो एक जैसे हिस्से होते हैं, बात कर चुके हैं हम। जैसे आपने कहा सीजर्स, कैंची, कैंची में एक जैसे दो हिस्से होते हैं, पैंट्स में, ट्राउजर्स में, ओके। आपने कहा कि भाई गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, बिनोक्यूलर्स है, इन सब में दूरबीन है, चश्मा है, इनमें जैसे ये है चश्मा, तो इसमें दो एक जैसे पार्ट हैं। तो जो जिस भी वर्ड या जिस भी नाउन में एक जैसे दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं उन्हें पेयर नाउंस कहते हैं। तो पेयर नाउंस हमेशा फॉर्म में प्लूरल रहते हैं। लेकिन यदि पेयर नाउंस से पहले हम ए पेयर ऑफ या फिर दिस पेयर ऑफ या फिर That pair of ये शब्द यूज़ करें, यदि पेयर नाउन से पहले इस तरीके से, यदि पेयर नाउन मान लो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और उसमें आ जाए ए पेयर ऑफ, दिस पेयर ऑफ या दैट पेयर ऑफ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे मैं कहूँ दिस पेयर ऑफ गॉगल्स, जैसे मैं आपसे कहूँ दिस पेयर ऑफ गॉगल्स। अब देखो मैंने क्या लगा दिया, दिस, जिसकी जगह ए भी लगा सकता हूँ। मैंने कहा दिस पेयर ऑफ गॉगल्स। यदि आपका कोई भी पेयर नाउन, यदि आपका कोई भी पेयर नाउन जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और उसमें उससे पहले ए पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ, दिस पेयर ऑफ ही आए, तो मैंने आपको बताया था फिर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैं कहूँ दिस पेयर ऑफ गॉगल्स इज वेरी एक्सपेंसिव, मैंने कहा कि ये जो पेयर ऑफ गॉगल्स है ये बहुत महंगा है। तो अब यहाँ पर मैंने इज लगाया है, यदि मैं यहाँ आर लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्या लगाना है। लेकिन यदि आप ए पेयर ऑफ, दिस पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ हटा दें और केवल केवल ये लगाएं गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, तो फिर प्लूरल नाउन आएगा। जैसे मैं कहूँ द सीजर्स अब यहाँ पे इज ऑब्लिक आर ब्लंट। अब यहाँ पर मैंने कोई भी ए पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ, दिस पेयर ऑफ कुछ भी नहीं लगाया, मैंने केवल पेयर नाउन लगाया एस सी आई, एस सी आई डबल एस ओ आर एस, ठीक है, मैंने केवल ये लगाया। तब आपको पता है कि पेयर नाउन जो है वो प्लूरल की तरह ट्रीट होंगे, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पर इज नहीं लगा सकते, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। अब मान लो इसकी जगह आपने लगा दिया दोज, तो दोज तो प्लूरल ही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको पेयर नाउंस में मैंने आपको कहा था ध्यान रखने की बातें। और पेयर नाउंस कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने की बातें। देखो यदि हम पेयर नाउंस की बात करें तो देखो ये आपके सीजर्स, सीजर्स आप जानते हो कैंची, स्पेक्टिकल्स गॉगल्स, यदि आई साइट वीक है तो आप जो चश्मा लगाते हो वो स्पेक्टिकल्स, और जो सनग्लासेस धूप के चश्मा वगैरह जो होते हैं फैशन के लिए लगाते हो दैट इज़ गॉगल्स। ये स्पेक्टिकल्स की शॉर्ट फॉर्म है स्पेक्स। बिनोक्यूलर्स दूरबीन, दूरबीन के भी क्या होते हैं, दो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। इसके अलावा आपने कहा टोंग्स, चिमटा, चिमटे के भी दो एक जैसे पार्ट होते हैं। आपने कहा पजामास, ठीक है, इसकी स्पेलिंग पी वाई जे ए एम ए एस भी होती है और पी ए जे ए एम ए एस भी होती है, दोनों ही सही हैं। शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ब्रीचेस, ये सब काइंड ऑफ ट्राउजर्स हैं, ओके। क्लिपर्स, जिसको आप नेल कटर्स भी बोलते हो, वो नेल कटर्स में जो होता है उसमें भी देखा ना आपने दो पार्ट होते हैं, दो आइडेंटिकल एक जैसे पार्ट होते हैं। आपने कहा पैंट्स, आपने कहा प्लायर्स, आपने कहा निकर्स,
ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, किस में आती हैं, पेयर नाउन में आती हैं, क्योंकि इसमें एक जैसे दो पार्ट होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, तो इन फॉर्म में प्लूरल होते हैं, इनके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है, लेकिन दिस पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ या ए पेयर ऑफ पहले लग जाए तो फिर उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने देखा, अब देखिए कुछ वर्ड हैं आपके पास, जैसे कैटल है, पुलिस है, वर्मिन है, पोल्ट्री है, ये कुछ वर्ड्स हैं। देखो जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए जैसे आपने कहा कैटल, आपने कहा पुलिस, आपने कहा पोल्ट्री और आपने कहा वर्मिन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। कैटल जानते हो आप, मवेशी, पुलिस, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी खाना, ठीक है ना, मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, मुर्गी पालन, वर्मिन कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप देखो फॉर्म में आपको सिंगुलर लग रहे हैं, फॉर्म में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं। यदि मैंने कहा फॉर्म में सिंगुलर लग रहे हैं, इसका मतलब इनके पीछे कुछ भी एस वगैरह नहीं लग रहा। ये सारे के सारे वर्ड्स आप देख रहे हो तो कैसे लग रहे हैं फॉर्म में, ये सारे के सारे वर्ड्स फॉर्म में आपको कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं, फाइन। लेकिन लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये चाहे फॉर्म में सिंगुलर दिख रहे हैं लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आपने कहा कैटल, तो क्या आएगा, आर, कैटल आर ग्रेजिंग देयर। पुलिस, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो पुलिस हैव, हैज नहीं, पुलिस हैव बीन सर्चिंग फॉर द अक्यूज्ड सिंस 2020। पुलिस जो है अक्यूज को, अपराधी को 2020 से ढूंढ रही है। ध्यान रखना प्रोनंसिएशन पुलिस नहीं होता, पुलिस होता है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है, ठीक है। द पोल्ट्री इज ऑब्लिक आर नॉट प्रॉफिटेबल दीज डेज, मुर्गी पालन आजकल फायदे का सौदा नहीं है। तो मुर्गी पालन के साथ पोल्ट्री, पोल्ट्री के साथ क्या आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब। इसी तरीके से देखो वर्मिन, मैंने आपको बताया वर्मिन भी क्या है, फॉर्म में सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो क्या आएगा, हैव, वर्मिन कीड़े मकोड़े हैव डैमेज्ड आवर क्रॉप, इन्होंने क्या किया, हमारी क्रॉप को डैमेज कर दिया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, ये वर्ड्स जो हैं आपको फॉर्म में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, इसका ध्यान रखना है, फाइन। आगे देखिए, देखो आपने देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो फॉर्म में सिंगुलर थे, ठीक है ना, लेकिन प्लूरल में भी यूज़ हो सकते हैं और सिंगुलर में भी यूज़ हो सकते हैं। मतलब जैसे आपने कहा शीप है, डियर है, तो इसके साथ आप आज भी, इस भी लगा सकते हो और आर भी लगा सकते हो, वन शीप, टू शीप, आर। लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आप क्या है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करोगे, कभी भी सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, जबकि ये फॉर्म में हमेशा सिंगुलर लगते हैं, देखने में हमेशा कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, फाइन। देखिए आगे, जैसे मैंने आपको लिखा है जनरली प्लूरल इन मीनिंग, सामान्यतः ये जो है अर्थ में तो प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर इन फॉर्म। मैंने आपको बताया था वर्मिन है, पुलिस है, पोल्ट्री है, ठीक है, पुलिस है, कैटल है, पीपल है, वर्मिन है, पोल्ट्री है, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने बताया जनरली प्लूरल इन मीनिंग, मीनिंग में सामान्यतः प्लूरल होते हैं लेकिन क्या, बट सिंगुलर इन फॉर्म। लेकिन फॉर्म में कैसे होते हैं, रूप में हमेशा क्या होते हैं, रूप में हमेशा ये कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, रूप में सिंगुलर होते हैं, इसका मतलब इनके पीछे एस नहीं लगा रहता है। ओके, आगे देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इनको समझिए और इन पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और समझने की कोशिश कीजिए, अभी भी रीट की एग्जाम में भी आया था इनमें से क्वेश्चन। तो देखो, सॉरी, पहले तो ये सेंटेंस देखिए, फर्स्ट है हिज मैथ्स और ऑब्लिक लगा के मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर वेरी पुअर, मतलब आपको ये बताना है इज आएगा या आर आएगा। सेकेंड है मैथ्स इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
द एरिया ऑफ रूम इज़ 160 स्क्वायर फीट। देखो मैंने आपको ध्यान हो तो बताया था कि हाइफन लगने के बाद, ये हाइफन लग गया, हाइफन के बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, 160 की बात तो प्लूरल नाउन आना चाहिए था, लेकिन नहीं, यदि आपके हाइफन के बाद जो कोई भी नाउन आए वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो 160 के बाद आपको क्या लगाना है, स्क्वायर, स्क्वायर्स नहीं। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑब्लिक आर अनरिलायबल। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक मतलब जानते हो आंकड़े, स्टैटिस्टिक मतलब आंकड़े, आंकड़े किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन नंबर। आप किसी भी सूचना का संग्रह संख्याओं में करते हो, कैसे कि भाई अशिक्षित व्यक्ति कितने हैं इसमें कि 500 हैं, शिक्षित कितने हैं कि 600 हैं, तो आपने क्या किया, इन सूचनाओं का संग्रह किसमें कर दिया, आंकड़े में। तो ये जो आंकड़े तैयार होते हैं इनको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े, हिंदी में क्या कह सकते हो आप, आंकड़े। तो मैंने कहा आंकड़े ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आंकड़े अविश्वसनीय हैं। नेक्स्ट आपने कहा स्टैटिस्टिक्स इज और ऑब्लिक आर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है आप जानते हो, स्टैटिस्टिक जो है ब्रांच है किसकी, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। फिर मैं कह रहा हूँ मिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर वेरी स्ट्रेंज। मिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो बड़ी ही अजीब है, स्ट्रेंज है, अलग है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैंने लिखा इकोनॉमिक्स इज ऑब्लिक आर अ बोरिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है बोरिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन की जो है इकोनॉमिक फैक्ट्स जो हैं, आर्थिक तथ्य जो हैं, हैव बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ, ये काफ़ी लंबी मात्रा में डिस्कस किए जा चुके हैं। अब इन सेंटेंसेस के बारे में आप देखिए, इन सारे सेंटेंस को आप स्टडी करें तो आप इन सारे सेंटेंसेस में जो भी, जैसे मैथ्स दोबारा आया है, इकोनॉमिक्स दोबारा आया है, स्टैटिस्टिक्स दोबारा आया है, तो अलग अलग अर्थों में आया है। अब पहले आपको मैं रूल बताता हूँ, फिर आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है और किस में क्या आएगा। देखिए कुछ साइंस की ऐसी ब्रांचेज हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के ऐसे नाम हैं, साइंस की ब्रांचेज हो सकती हैं, सब्जेक्ट्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है, और ब्रांच ऑफ नॉलेज हो सकती हैं, कई जो है नॉलेज की ब्रांच, साइंस की ब्रांच या सब्जेक्ट के नाम ऐसे हैं जिनके लास्ट में ICS लगा रहता है या फिर S लगा रहता है, ठीक है। कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं या फिर आपके ब्रांच ऑफ नॉलेज ऐसे हैं या फिर कई ऐसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ओके, आप ये मान लीजिए कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या फिर आप ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं ऐसी जिनके नाम के पीछे S या ICS लगा रहता है। यदि वो सब्जेक्ट के नाम हैं, यदि वो सब्जेक्ट के नाम हैं, तब तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने कहा कि मैथ्स जो है, फर्स्ट सेंटेंस मैंने कहा कि मैथ्स और मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी पुअर सब, आई एम सॉरी मैंने कहा हिज मैथ्स और मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर वेरी पुअर। सेकंड है मैथ्स इज ऑब्लिक आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो इसमें एस लगा हुआ है, इसमें क्या लगा है, एस, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यदि ये सारे सब्जेक्ट के नाम हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर इज जो है वो सही है और आर गलत है। लेकिन मैथ्स का मतलब जो है गणित के विषय से नहीं है, मैथ्स का मतलब गणित विषय से नहीं है, तो फिर क्या होगा कि मैथ्स का मतलब मान लो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणितीय गणना, जैसे मैं कहूँ ना मेरी गणितीय गणना कैलकुलेशन करने की, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यदि मैं कहूँ मेरी कैलकुलेशन जो है मैथमेटिकल मैथ्स की कैलकुलेशन जो है वो पुअर है, तो फिर यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं गणितीय गणना जो है उसकी बात कर रहा हूँ। यदि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर, और मैथ्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैंने कहा माय मैथ्स या मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर पुअर, तो यहाँ पर कहीं भी मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैंने सब्जेक्ट नाम मेंशन ही नहीं किया, इसका मतलब है मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, मैथ्स की कैलकुलेशन करने की क्षमता जो है, गणितीय गणना करने की संख्या जो है, क्षमता जो है, या फिर वो कैलकुलेशन करने की जो क्षमता जो है वो मेरी पुअर है, मैं मैथ्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा,
ओके, तो यहां पर क्या आएगा, फिर प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, फिर देखिए आप इससे और समझेंगे। मैंने कहा द एरिया ऑफ द रूम इज 160 स्क्वायर फीट, इस कमरे का जो एरिया है, क्षेत्र है, इस कमरे का जो क्षेत्रफल है, मैंने कहा वो 160 स्क्वायर फीट है। इफ माई मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट, यदि मेरी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब गणना, गणिती, मैं कहूँ इस कमरे की साइज जो है, मैं कहूँगा 12x12 फीट है, यदि मेरी जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही है, तो यदि मेरी गणना जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, और जब सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, तब प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, देखो पहले मैथ्स को, मैथ्स जो है यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब, और यदि मैथ्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो प्लूरल। मैंने यही कहा कि यदि सब्जेक्ट्स के नाम हैं, ठीक है, यदि वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ब्रांच ऑफ साइंस है, तब तो आप उनके साथ क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, और उनका यूज़ किसी और अर्थ में हो रहा है तो फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। ठीक है, फिर देखिए, देखो ये मैथ्स के बारे में समझ लीजिए, दोनों ही आप चाहो तो मैथ कर सकते हो, MATH ये भी सही है, MATHS मैथ ये भी सही है, ध्यान रखना दोनों ही सही हैं। MATH मैथ जो है अमेरिकन इंग्लिश है, और MATHS ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश है। यदि आप ब्रिटिश इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो मैथ्स, और अमेरिकन क्या बोलते हैं, मैथ, दोनों ही बिल्कुल इक्वली करेक्ट हैं। आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो ए मैथ टीचर, और आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो ए मैथ्स टीचर, दोनों ही सही हैं, ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। और जो मैथमेटिक्स है ये फॉर्मल है, औपचारिक भाषा में, औपचारिक भाषा में बोलते हो तो आप पूरा मैथमेटिक्स बोलो, और ब्रिटिश इंग्लिश क्या बोलते हैं, मैथ्स, और अमेरिकन क्या बोलते हैं, मैथ्स, तो दोनों ही सही हैं। आप चाहो तो ए मैथ्स टीचर बोल दो, आप चाहो तो ए मैथ्स टीचर बोल दो, दोनों ही सही हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने कहा था स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑब्लिक आर अनरिलायबल। अब देखो मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस रिपोर्ट, अब यहाँ मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आंकड़े, स्टैटिस्टिक का मतलब यहाँ मेरा क्या है, आंकड़े, जो मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन नंबर, आंकड़े जो हैं इस रिपोर्ट के अविश्वसनीय हैं। अब ऐसा लग रहा है लेकिन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी और सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आंकड़ों के सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या लगेगा, आर, तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, इज नहीं आएगा। अब मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स इज ऑब्लिक आर इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, अब मैं क्या इकोनॉमिक्स की ब्रांच बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की एक ब्रांच, तो यानी सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर रहा हूँ, तो फिर क्या आएगा, इज आर गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मोदीज पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर वेरी स्ट्रेंज, देखो यदि पॉलिटिक्स का मतलब, यदि पॉलिटिक्स का मतलब पर्संस ओपिनियन बिलीफ्स, यदि पॉलिटिक्स का मतलब पर्सन्स बिलीफ्स, पर्सन्स व्यू, पर्सन्स ओपिनियन ये है, ठीक है, यदि पॉलिटिक्स का मतलब ए पर्सन्स व्यू ऑब्लिक ओपिनियन ऑब्लिक बिलीफ्स, यदि आपकी पॉलिटिक्स का मतलब है, हिंदी में कह सकते हो विचारधारा, ठीक है ना, यदि पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक विचारधारा है, यदि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, ए पर्सन्स व्यूज ओपिनियंस और बिलीव्स, ठीक है, दैट हाउ ए कंट्री शुड बी गवर्न, शुड बी, जिसको हिंदी में कहते हैं विचारधारा, यदि पॉलिटिक्स का मतलब है एक व्यक्ति की विचारधारा, ठीक है, एक व्यक्ति की राय, ठीक है, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण कि किस तरीके से एक देश जो है उस पर शासन किया जाना चाहिए, किस तरह एक देश को संचालित किया जाना चाहिए, मतलब राजनीतिक विचारधारा, यदि पॉलिटिक्स का मतलब विचारधारा से है तो फिर उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, क्या आएगी उसके साथ, हमेशा प्लूरल वर्ब। तो मैंने कहा मिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स, तो फिर क्या आएगा, आर, यहाँ सब्जेक्ट की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स यानी मिस्टर मोदी की विचारधारा जो है, राजनीतिक विचारधारा, वो बिल्कुल अलग थलग है, तो मैं क्या करूँगा, आर। लेकिन मैं कहूँ पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसके लगाऊंगा इज, आर नहीं आएगा।
इज इट क्लियर? फिर देखो, जैसे मैं मान लो आपसे बात करूं, जैसे और देखो सेंटेंस में कहूं, जैसे मिस्टर गैलॉट्स पॉलिटिक्स हैज ऑब्लिक हैव बिकम लिबरल ओवर द फ्यू पास्ट ईयर्स. मैंने कहा मिस्टर गैलॉट्स पॉलिटिक्स हैज़ हैव बिकम, मिस्टर गैलॉट्स की जो पॉलिटिक्स है वो हो गई है ज़्यादा उदारवादी ओवर द फ्यू पास्ट ईयर्स, कुछ पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में गैलॉट की जो राजनीतिक विचारधारा है वो कैसी हो गई, लिबरल हो गई है, उदारवादी हो गई है. तो मैं इस किसी व्यक्ति की पॉलिटिकल व्यूज़ की बात कर रहा हूँ, उसकी ओपिनियंस की बात कर रहा हूँ, या फिर उसके फेथ की बात कर रहा हूँ, उसके बिलीव्स की बात कर रहा हूँ. मतलब राजनीतिक या पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, राजनीतिक विचारधारा. यदि पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक विचारधारा है तो हैज़ लगाओगे या हैव लगाओगे, इसका मतलब फिर प्लूरल ही वर्ब लगानी है आपको. तो क्या सही होगा, हैव सही होगा, हैज़ गलत होगा. इज इट क्लियर? तो फिर क्या होगा आपका, इस फिर आपके इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी. फिर आगे देखो, जैसे मैं कहूँ इकोनॉमिक्स इज ऑब्लिक आर अ बोरिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जो है बोरिंग सब्जेक्ट है. अब यहाँ पर यदि मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स किसकी बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का मतलब सब्जेक्ट, और यदि मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी या प्लूरल, फिर सिंगुलर यूज होगी, प्लूरल गलत. मैंने कहा था इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज हैव, इसको ऊपर कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसके आर्थिक तथ्यों पर डिस्कस किया गया एट सम लेंथ, कुछ विस्तार के साथ, इस सिचुएशन के आर्थिक, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसके आर्थिक तथ्यों पर बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया. तो देखो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक फैक्ट्स, ठीक है, आर्थिक तथ्य. और यदि इकोनॉमिक्स का मतलब सब्जेक्ट से नहीं है, आर्थिक तथ्य से है, तो कौन सी वर्ब यूज़ होगी, फिर प्लूरल वर्ब होगी, फिर क्या लगाएंगे हम, हैव. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट्स के नाम हैं तो सिंगुलर, और कुछ और अलग सेंस में यूज हो रहा है तो प्लूरल. ओके, आगे देखिए, तो ये देखिए आप, ये मैं आपको बता चुका हूं, सर्टेन साइंसेस, कुछ विज्ञान, ब्रांच ऑफ नॉलेज, कुछ विज्ञान हो सकती हैं, ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज हो सकती हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, सर्टेन साइंसेस, कोई विज्ञान, ब्रांच ऑफ नॉलेज या नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विच एंड्स इन ICS, जो किस में खत्म होते हैं, ICS में या S में, टेक सिंगुलर वर्ब, उनके साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर, लेकिन बट व्हेन मैथमेटिक्स मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन मान लो मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणितीय गणना है. इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक फैक्ट, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, आर्थिक तथ्य. और पॉलिटिक्स मींस, और पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, पर्सन्स पॉलिटिकल व्यू बिलीव्स, एक व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधारा, जिसे क्या कहते हैं, राजनीतिक विचारधारा. तो वर्ब विल बी प्लूरल, तो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी. जैसे इकोनॉमिक्स, यदि ये सब्जेक्ट्स का नाम है तो फिर तो क्या होगा, सिंगुलर, अदर सेंस में प्लूरल. मैथमेटिक्स या मैथ्स एक ही बात है, फिजिक्स, अकूस्टिक्स, अकूस्टिक्स कहते हैं ध्वनि विज्ञान, ठीक है ना, साइंस ऑफ हियरिंग, किसे कहते हैं, साइंस ऑफ हियरिंग. फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, नागरिक शास्त्र. तो ये यदि सब्जेक्ट के नाम के रूप में यूज हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अन्य सेंस में यूज हो रहा है तो फिर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी. ठीक है, बाकी का नेक्स्ट टर्न पे. थैंक यू.